नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी। आई रुक करते हैं खबर। निशुल्क पत्रकार बीमा योजना लागू करने दिया ज्ञापन। 5 लाख रुपए तक की निशुल्क पत्रकार बीमा योजना लागू किए जाने एवं आवेदन की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाने मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ ने दिया ज्ञापन। मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकार कल्याण बीमा कराने के जारी विज्ञापन में अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए बढ़ाई गई बीमा प्रीमियम राशि को निःशुल्क करने और बीमा करने की तारीख बढ़ाने को लेकर मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष शलभ भदौरिया के निर्देश पर जिला इकाई विदिशा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार में पत्रकारों के लिए निःशुल्क बीमा योजना है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी इसे लागू किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार श्रमजीवी पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ाई गई प्रीमियम राशि को सहानुभूतिपूर्वक शून्य करे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के तर्ज पर पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना निःशुल्क लागू किए जाने की और आवेदन करने की तिथि 20 सितंबर से 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा करें। साथ ही संघ के सभी लोगों ने एसपी दीपक कुमार शुक्ला और एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे से भेंट कर समस्याओं से अवगत कराया। संपर्क विभाग द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है, इसमें पत्रकार कल्याण बीमा योजना के अंतर्गत उसमें जो प्रीमियम राशि बहुत बढ़ा दी गई है, उस राशि को कम करने या जो निःशुल्क पत्रकार बीमा योजना लागू करने के संबंध में आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और जो 20 तारीख करी गई है उसको बढ़ाकर 30 तारीख करने की भी मांग की है। क्या आश्वासन मिला है? अभी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, संबंध में जो भी निर्देश होंगे बाद में बताएंगे। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, हमारे मध्य प्रदेश श्रमजीवी हर जिले में पत्रकारों के लिए 5 लाख का निःशुल्क बीमा कराने के लिए ज्ञापन देने आए हैं कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए तो इसी की तैयारी में लगे हैं हम। खबर में बस इतना ही, बने रहे सीआईडी न्यूज के साथ।